सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार और बेहद ही स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीरज गार्डनर में। और आज आपके सामने ये देखिए एक गुड़हल का पौधा है जो कि बहुत ही हेल्दी प्लांट है और आज ही इसको मैं नर्सरी से ख़रीद के लाया हूं। और देखिए ये बहुत ही बड़ी बड़ी लीव्स हैं इसकी और इसमें गुच्छेदार मतलब घने घने से बड़े और बड़े किस्म के लाल लाल फ्लावर आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए और गुलाब के जैसे फ्लावर आएंगे इसमें। और ये देखिए मैंने इसकी सॉइल किस प्रकार की बनाने जा रहा हूँ। 30% मैंने गार्डन सॉइल लिया है, 40% मैंने इसकी जो लाल मिट्टी थी उसको फोड़ लिया है और ये 20% इसमें कंपोस्ट है। और बाकी ये जो मेरा पोट है इसके नीचे मैंने ये अपने गार्डन की वेस्टेज डाली हुई है ताकि ये सड़ के नीचे खाद बन जाएगी। और इसके नीचे होल करना तो आपको मालूम ही है, मैंने अपने सभी वीडियो में बताया हुआ कि पोट के नीचे होल जरूर करें वरना एक्स्ट्रा वाटरिंग होने की वजह से आपका प्लांट सूखना शुरू हो जाता है। और चलिए अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें। अभी मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग करना दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, पहले अभी हम इसकी सॉइल मिक्स करने जा रहे हैं। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेनी है सॉइल, रेड सॉइल और गार्डन येलो सॉइल है और ये कंपोस्ट, तीनों को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोकोपीट भी आप मिला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी आपकी सॉइल। और मैं इन तीनों का मिक्सचर अच्छे से मिक्स करके अभी सॉइल बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने पोट में इन सॉइल मिक्सचर को डालूँगा और फिर उसके बाद अपने प्लांट को अच्छे तरीके से इसमें लगाऊँगा। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे अभी हम। और ये देखिए फ्रेंड्स, 20% सैंड भी ले आए हम इसमें, कंस्ट्रक्शन सैंड है ये। मिट्टी को हल्का भुरभुरा बना के रखेगी और जिससे पानी आसानी से पास होगा, एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं होगी इसमें। मिट्टी आपकी भुरभुरी होना ज़रूरी है, अगर भुरभुरी मिट्टी नहीं होगी तो एक्स्ट्रा वाटरिंग होगी इसमें, वाटर निकलने की जगह नहीं निकलेगी और वाटर नहीं निकलेगा तो आपका प्लांट सूखेगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद प्लांट को लगाएंगे। अब देखिए सॉइल हम इसमें डाल रहे हैं पोट के अंदर। सॉइल डालने के बाद प्लांट को लगाएंगे इसमें। सो अभी हमने सॉइल में होल कर लिया बीच में और अब इसकी रूट्स को संभाल के डालना है वरना इसकी रूट्स डैमेज हो सकती है। और इसकी जो नर्सरी से मिट्टी में लगी हुई आती है उस मिट्टी को आप पूरी तरीके से तोड़ लें क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट और हार्ड मिट्टी होती है, अगर उसके साथ लगाएंगे तो इसकी जड़ें फैल नहीं पाती हैं, इसकी रूट्स फैलेंगी नहीं तो फिर ये अच्छे से आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अभी ये नीचे जो मैंने इसके गार्डन वेस्टेज डाली हुई है वो धीरे धीरे बैठेगी तो इसमें मेरी मिट्टी भी धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठेगी जैसे जैसे वो सूखेगा, और फिर ये थोड़ी मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाएगी, इसलिए हमने पूरी सॉइल भर के लगाई हुई है इसमें। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे दबा दबा के ताकि हमारा प्लांट ज़्यादा हिले ना, अगर प्लांट हिलेगा तो फिर लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, मैंने अपनी सभी वीडियो में ये बात आपको बताई हुई है। देखिए कितना हेल्दी प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। और फ्रेंड्स, अभी इसको हमने जल्दी लगाया है तो लगाने के बाद इसकी रिपोर्टिंग करने के बाद इसको हल्के शेडी एरिया में रखें, नहीं तो अगर ज़्यादा इस पर सनलाइट पड़ेगी तो फिर ये आपका प्लांट हल्का हल्का मुरझाया सा रहेगा और सूख भी सकता है, इसलिए इसको हल्के शेडी एरिया में रखें ताकि जब ये अच्छे से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और ये ग्रो करने लग जाएगा फिर आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, फिर आप इसको दिन की 6-7 घंटे की धूप दे सकते हैं, लेकिन अभी इसको हल्के शेडी एरिया में रखना है जब तक ये ग्रो करना शुरू नहीं कर देता है। अभी इसकी वाटरिंग कर देनी है, बहुत अच्छे से वाटरिंग करेंगे ताकि सॉइल अच्छे से नीचे तक बैठ जाए और वाटर पूरा नीचे तक, सॉइल को गीला करना है पूरा बढ़िया से। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी वाटरिंग करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वाटरिंग करनी है, अच्छे से वाटरिंग करनी, पूरा अच्छे से वाटरिंग कर देंगे इसमें भर के। और अब इस प्लांट को हल्के शेडी एरिया में रखेंगे, अच्छे से वाटरिंग करनी है ताकि नीचे तक पानी पहुँचे पूरा। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसकी वाटरिंग कर दी है और प्लांट देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है। अब
अब ये जैसे ग्रो करेगा मैं आपको इसका रिव्यू दिखाता रहूँगा। देखिए इसकी फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया, घने घने फूल आएंगे इसमें, बड़े बड़े फूल आएंगे, लाल लाल कलर के गुच्छेदार फूल निकलेंगे एकदम घने। और एक और गुड़हल है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास दूसरा वाला गुड़हल है और इसमें बहुत सारी लीव्स आ गई हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर चुका है ये और बहुत ही घना हो गया है। ये भी मेरी मोम नर्सरी से ही लाई थी पर बहुत छोटा प्लांट था ये। अभी देखिए इसकी हल्के हल्के लीव्स पहले वाइट वाइट से निकलती हैं, वाइट और ग्रीन, और उसके बाद ये लीव्स जब थोड़ी ओल्ड हो जाती है तो पूरी ग्रीन हो जाती है। इसमें भी रेड कलर के फ्लावर आते हैं पर उतने गुच्छेदार और घने फूल नहीं आते जितने उसमें आएंगे। उसका फ्लावर जैसे ही निकलेगा मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा उसका। और फ्रेंड्स ये एक और गुड़हल का प्लांट है, ये वाला आपको प्लांट सरकारी नर्सरी में मिल जाएगा। इसकी लीव्स थोड़ी स्ट्रिक्ट सी होती हैं, हार्ड स्ट्रिक्ट लीव्स होती हैं इसकी, और बहुत ही चमकदार हैं इसकी लीव्स। देखिए कितनी चमक रही हैं, शाइनिंग कर रही हैं, और इसका फ्लावर भी लाल लाल कलर का आता है। तीनों ही मेरे पास जो गुड़हल के या प्लांट हैं इनमें तीनों में ये रेड कलर के फ्लावरिंग होती है। और ये भी काफ़ी छोटा प्लांट था, देखिए कितना बड़ा हो गया ये। ये नीचे से हल्का सूखना शुरू हो गया था तो मैंने आपको दिखाया था इसको किस तरीके से मैंने सेव किया था, बचाया था। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसमें मैंने सॉइल ऊपर से डाल दी थी थोड़ी, तो सॉइल डालने की वजह से फिर से ये लग गया था मेरा प्लांट। सो फ्रेंड्स अभी हमने इसको हल्के शेडी एरिया में रख दिया, देखिए। और यहाँ पर हल्की हल्की धूप आती है, देखिए ऊंची ऊंची सी दीवारें हैं यहाँ पर। बस एक घंटे की सवेरे की धूप आएगी, उसके बाद छाँव मिलेगी इसको अच्छे से। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं अंत करता हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।